कॉमन एरर, चूज द राइट आंसर्स, ये ट्रिक कराएगी आपको परीक्षा में पास। आज हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्या देखेंगे, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इफ नीडेड। मतलब जिस क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन होगी उसका करेक्ट मीनिंग लिखना है, क्या सही होगा उसके आगे। अब कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं, पार्ट्स बना देगा, ए पार्ट्स, बी पार्ट्स, ए बी और सी, फिर पूछेगा तुमसे सही करेक्ट आंसर कौन सा है, डी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मतलब तो इन सभी क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो चीज़ देखते हैं हम। और जो भी एसएससी में, शिक्षक भर्ती परीक्षा में, यूपी टेट में, सी टेट में, मतलब मोस्टली जिन एग्जामों में इंग्लिश आती है उन सभी की सभी एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें करेक्ट एरर क्या होगी। तो हम देखते हैं कि देयर इज नो रेनफॉल इन आवर विलेज फॉर द लास्ट 6 मंथ, इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन दे रखा है हैज बीन, बी ऑप्शन वाज, सी ऑप्शन हैड बीन, डी ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। तो बताइए आपका आंसर कौन सा होगा, इसकी जगह पे आपको लेके आना है क्या सही आएगा। अब देखिए तो इसका आंसर है, राइट आंसर है बी। अब हम राइट आंसर बी हमारा किस तरीके से है, अब देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि फॉर द लास्ट 6 मंथ, मतलब पुरानी बात कर रहा है 6 मंथ की, पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट में ही लेके आएंगे, तो इज की जगह पे क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि वो पास्ट में बात कर रहा है, लास्ट 6 मंथ पहले की बात कर रहा है, तो वॉज आ जाएगी। इस तरीके से हम इसको आराम से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पुलिस इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर, तो द इनटू द मैटर की जगह पे क्या आएगा राइट आंसर। तो आपके सामने ऑप्शन है विद द मैटर, एट द मैटर, नो इम्प्रूवमेंट। तो विच आंसर इज राइट, यू टेल मी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द मैटर, क्योंकि इन्वेस्टिगेट के अंदर, इन्वेस्टिगेट किसी चीज़ का किया जाता है तो वो खुद अंदर उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व होके करता है, तो इसलिए इनटू नहीं आएगा। यदि यहाँ पे क्या होता, यदि यहाँ पे आपका आंसर लुक होता तो लुक के साथ में इनटू होता, तो इनटू आता है। अब देखते हैं, या इंक्वायरी होती तो इंक्वायरी टू हो जाता, बट इन्वेस्टिगेट के साथ में तुम्हारा जो है इनटू वाला वर्ड नहीं आएगा, तो राइट आंसर इसका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या है, रामचंद्र मूर्ति एंड हिज फैमिली हैज बीन इन गुयाना फ्रॉम 1985। अब इस तरीके के क्वेश्चन में कौन से होते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है जिसके साथ में यहाँ हैज और हैव बीन आ जाती है ये वाली चीज, तो उसमें क्या होता है। चलो हम ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ए ऑप्शन सिंस, बी ऑप्शन अबाउट, सी ऑप्शन ओ और डी ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा सिंस। क्यों होगा, जब भी हैज बीन आती है तो इसके साथ में सिंस या फॉर का यूज करते हैं हम, तो फॉर का यूज करते हैं तो क्या कर देंगे, इसके साथ में क्या हो जाएगी, सिंस हो जाएगी। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई एम लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1980। तो बताइए आई एम लिविंग के साथ में क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर सिंस 1980 है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पहुँचेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पहुँचेगा तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा,
वॉज लिविंग, बी ऑप्शन सेल लाइफ, सी ऑप्शन हैव बीन लिविंग और डी ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। तो कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर होगा हैव बीन लिविंग, इट्स अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ आई वॉज यू आई वुड टेल हिम द ट्रूथ। इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन एम यू, बर यू, हैड बीन यू, नो इम्प्रूवमेंट। तो कौन सा आंसर सही है अब बताइए जल्दी से। समझ में आ रहा हो तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है बर यू। अब बर यू क्यों आते हैं? जब भी इफ इफ के साथ कल्पना करते हैं, इमेजिनरी इमेजिनेशन करते हैं, जब भी हम कल्पना की बात करते हैं, काश मैं राजा होता तो मैं ये करता, तो उनके साथ में कोई भी सब्जेक्ट सही, आई ही सी दे इट बी बर, ऑल सब्जेक्ट किसी का नेम हो उसके साथ में हमेशा वर्ब जो आएगी बर आएगी। तो इफ आई वर यू आई शुड टेल हिम, उसका राइट आंसर ये वाला बर यू सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स, ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन तुम्हारा एनी बॉय, दूसरा ऑल द बॉय और तीसरा ऑप्शन तुम्हारा है एनी अदर बॉय और चौथा डी ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब एनी अदर बॉय किसकी, एनी बॉय की जगह पर क्या लेके आएंगे? तो ये कंपेरेटिव डिग्री है, तो कह रहा है ही इज बेटर देन एनी बॉय इन द क्लास, मतलब कोई भी अच्छा लड़का नहीं है उससे, तो कोई दूसरा अच्छा लड़का नहीं है, मतलब वहाँ इतनी बच्चे हैं जो उससे अच्छा कोई दूसरा बच्चा नहीं है। तो उस सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर सी एनी अदर बॉय, इज अ राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम अनिल ऑट नॉट टू टेल मी योर सीक्रेट व्हाट ही डिड। तो फर्स्ट ऑप्शन टू बी टेलिंग, बी ऑप्शन टेल, सी ऑप्शन टू हैव टोल्ड, डी ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। तो बताइए राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है वो टू हैव टोल्ड। अब ये टू हैव टोल्ड राइट क्यों है अब देखते हैं। यहाँ पे बट ही डिड ये किस में, पास्ट में, ये तुम्हारा जा रहा है पास्ट में। अब ये पास्ट में हो गया तो ये जो अगला सेंटेंस है वो भी तुम्हारा पास्ट में होना चाहिए। अब ऑट टू के साथ में जब हैव टोल्ड आ जाता है तो वो पास्ट बन जाता है ऑट टू, तो टू हैव टोल्ड, तो इसलिए ये ऑट टू के बाद में हैव आ गया तो क्या पास्ट में बन गया, इसलिए राइट आंसर इसका हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई बर हिम आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। फर्स्ट ऑप्शन इफ आई वॉज हिम, बी ऑप्शन इफ आई वर ही, सी ऑप्शन इफ आई हैड ही और डी ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। व्हाट इज द राइट आंसर जस्ट टेल मी। तो जो राइट आंसर क्या है इसका, इफ आई वर ही, वो इसलिए है जब भी हम कल्पना की बात करेंगे, इमेजिनेशन की बात करेंगे, तो उस वर्ब के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट आता है वो सब्जेक्टिव रूप आता है। कौन सा सब्जेक्टिव रूप आएगा? तो इसलिए ये हम ऑब्जेक्टिव रूप है, तो सब्जेक्टिव रूप क्या ही है, तो ही इज द राइट आंसर, जिसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाइन में। तो व्हाट द नेशन नीड्स इज पीपल ऑफ करेक्टर। अब देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आर द पीपल ऑफ करेक्टर, आर पीपल ऑफ करेक्टर, इज ए पीपल ऑफ करेक्टर, नो इम्प्रूवमेंट। तो विच इज द राइट आंसर टेल मी। तो राइट आंसर इज आर द पीपल ऑफ
करेक्टर, बिकॉज द नेशन नीड्स, देश की राष्ट्र की आवश्यकताएं। ये पूरा का पूरा तुम्हारा सब्जेक्ट रूप हो गया, ये प्लूरल का भाव निकाल रहा है, इसलिए प्लूरल की वजह से यहाँ पर बार भी प्लूरल आएगी, तो इसलिए आर हो जाएगी सर। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नाउ वी कम टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हेयर दिस ग्रेट स्वार्म ऑफ गैलेक्सीज हैव कम फ्रॉम। तो ऑप्शन नंबर वन हैव कम, बी ऑप्शन हैज कम फ्रॉम, सी ऑप्शन आर कमिंग फ्रॉम, डी ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट्स। तो व्हाट द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज हैज कम फ्रॉम। हैज कम फ्रॉम क्यों आया? दिस ग्रेट स्वार्म, जब भी हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में कितनी भी चीज़ सही, अगर पार्टिकुलर एक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द फ्यूअर रेनफॉल मीन्स लेस ट्रैफिक एक्सीडेंट्स अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स रिपोर्ट्स ऑन हाईवे सेफ्टी। तो इसका ये ऑप्शन है लेस लेस रेनफॉल मीन फ्यू आवर्स ट्रैफिक एक्सीडेंट, बी ऑप्शन लेस रेनफॉल्स मीन्स लेस ट्रैफिक एक्सीडेंट, और इसका सी ऑप्शन है फ्यू आवर रेनफॉल्स मीन्स फनीजल मीन्स फ्यूअर ट्रैफिक एक्सीडेंट, और चौथा ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। तो अब इसमें देखते हैं कि राइट आंसर कौन सा है, यू टेल मी। अगर समझ में आया हो तो बताइए। तो देखो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा फर्स्ट। अब ये क्यों होगा? क्योंकि जो फ्यू आवर है, जो रेनफॉल है, वो तुम्हारा अनकाउंटेबल में चला जाएगा, और फ्यूअर काउंटेबल के लिए आता है, लेस आता है अनकाउंटेबल के लिए। जो एक्सीडेंट होंगे जितने भी आप उनको गिन सकते हो, तो इसलिए क्या हो जाएगा? फ्यूअर ट्रैफिक एक्सीडेंट। और जो रेनफॉल को तुम गिन नहीं सकते, कितनी पड़ेगी काउंट नहीं कर, अनकाउंटेबल है, तो लेस रेनफॉल मीन्स फ्यूअर ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो हमेशा बच्चों एक बात याद रखिएगा कि लेस आता है जो, वो आता है अनकाउंटेबल के लिए, फ्यूअर आता है काउंटेबल के लिए। तो इस तरीके से इसका ए ऑप्शन राइट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? आई नेवर सॉ यू एट द पार्टी यस्टरडे। अब ये पास्ट की बात कर रहा है, सिंपल पास्ट की बात करता है, तो क्या आएगा आंसर? अब इसके ऑप्शन क्या हैं देखिए। ए ऑप्शन हैव नॉट सीन, बी ऑप्शन डिड नॉट सी, सी ऑप्शन हैड नेवर सीन, और डी ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। तो व्हाट इज द राइट आंसर? क्या है? तो इसका राइट आंसर है डिड नॉट सी। आई डिड नॉट सी यू एट द पार्टी यस्टरडे, मैंने कल तुम्हें पार्टी में नहीं देखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अजीत इज ए बिगर स्कॉलर देन हिज ब्रदर। अब देखिए इस बिगर की जगह पे क्या राइट आंसर आएगा? तो ऑप्शन तुम्हारे क्या हैं? ए ऑप्शन बेटर, बी ऑप्शन स्मॉलर, सी ऑप्शन सुपीरियर, और डी ऑप्शंस नो इम्प्रूवमेंट्स। व्हाट इज द राइट आंसर? तो राइट आंसर इज बेटर। अब देखिए बेड़ा स्कॉलर जो विद्वान है उसका भाई अजीत, अजीत ये बिग स्कॉलर मतलब अजीत जो विद्वान है अपने भाई से। अब इसमें देखो कंपेयर हो रही है, तो विद्वान के लिए क्या आएगा? बड़ा तो है नहीं है, अब वो क्या है? गुड है, अच्छा है, बेटर है, तो इसका आंसर इसलिए गुड आ जाएगा। गुड की जो कंपरेटिव डिग्री होती है वो होती है बेटर, इसलिए बेटर इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द व्हेन एवर आई सॉ हिम ही हैज बीन रीडिंग द सेम नॉवेल्स। तो व्हाट इज द राइट आंसर? अब देखो हैज बीन रीडिंग्स रीड बाज रीडिंग नो इम्प्रूवमेंट, व्हाट इज द राइट आंसर? तो राइट आंसर इज हैड बीन, बिकॉज ये आंसर कैसे सही हो गया? आई सॉ ये पास्ट में है, तो यहाँ भी पास्ट में होना चाहिए, पास्ट की वजह से यहाँ ये प्रेजेंट में, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज की जगह पर ये हैड, हैड इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई डिड नॉट वेट फॉर हिम बिकॉज ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड। तो व्हाट इज द राइट आंसर? देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है तुम्हारा, हैड हैज गॉन आउट, हैड गॉन आउट, हैड बीन गो आउट और नो इम्प्रूवमेंट्स। व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज द वी हैड गॉन आउट बिकॉज आई अराइव्ड। ये पास्ट में, तो ये वाली पास्ट में बनेगा, तो ये वाला वेंट आउट की जगह पे हो जाएगा हैड गॉन आउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो द सिंस बिगिनिंग ऑफ द टर्म वी आर स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम ऑन पोइट्री। तो फर्स्ट ऑप्शन से स्पेंट, बी ऑप्शन विल स्पेंट, सी ऑप्शन हैव स्पेंट, डी ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। व्हाट द राइट आंसर? टेल मी, जस्ट थिंक। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ए, मतलब उसने बहुत सारा अपना जो पोइट्री में अपना समय व्यर्थ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, योर सिस्टर्स कुक्स बेल एजेंट सी। अब इसका राइट आंसर क्या होगा इसकी जगह पे? फर्स्ट ऑप्शन इज एजेंट इट, बी ऑप्शन डजेंट इट और सी ऑप्शन डजेंट इट और डी ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट या डजेंट सी। अब देखते हैं इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। राइट आंसर इज द बी, डजेंट सी। अब डजेंट सी क्यों आया? क्योंकि कि जो हमारा यहाँ पर देखते हैं सिस्टर कुक्स, ये क्या है? प्रेजेंट में, जिसमें हमारा क्वेश्चन होता है, पहला पार्ट होता है, उसी का हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो डू डज आता है, तो डजेंट हो गया। अब देखो यहाँ पर सी है, तो योर सिस्टर, तुम्हारी सिस्टर सी के लिए आ रहा है, तो सी आएगी। इसके लिए नहीं आ रहा, निर्जीव नहीं है वस्तु, निर्जीव वस्तु तो इट आ जाता है। इस तरीके से देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हियर डिकनर्स नॉवेल्स लाइक मैनी राइटर्स आर लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल। तो इसमें क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में तुम्हारा लाइक दोज ऑफ मैनी अदर्स राइटर्स, बी ऑप्शन लाइक सो मैनी अदर्स, लाइक मैनी अदर्स नॉवेलिस्ट, डी ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज ए, लाइक दोज ऑफ मैनी अदर राइटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वॉच एज प्रिटी एज, इसकी जगह पर क्या राइट आंसर आएगा बताना है। इफ नॉट प्रीटियर देन एनी अदर गर्ल्स एट द पार्टी। फर्स्ट ऑप्शन सी वॉच वेरी प्रिटी, सी वॉच प्रिटी, सी वॉच द प्रिटेस्ट, डी ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट्स। द राइट आंसर इज, राइट आंसर इज बी, ही वॉच प्रिटी। सिंपल बनाएंगे क्योंकि इफ से सेंटेंस जुड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेवर आई हैव बीन सच ब्रीथ टेकिंग सीनरी। तो ए ऑप्शंस नेवर हैव आई, बी ऑप्शन एवर आई हैव और सी ऑप्शन आई कैंट एवर, डी ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट्स। तो राइट आंसर इज फर्स्ट, बिकॉज जब भी हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले लेती है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई है, हेल्पिंग वर्ब हैव है तुम्हारा, तो ये क्या हो जाएगा? नेवर, नेवर, नेवर के बाद में आपका हो जाएगा हैव और उसके बाद में आई, सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। थैंक यू गाइस, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके बाय।